दोस्तों फिलहाल फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल जो है वो आज से यहाँ पर लाइव हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज मैंने अपने लिए एक काफी बेस्ट स्मार्टफोन डील यहाँ पर ग्रैब की है इस सेल में, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो काफी सस्ती प्राइस पॉइंट पर मुझे मिला है, और आपका भी जो बजट है वो लगभग 17,500 या 18,000 रुपए का है, तो आप इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इससे और सस्ते में भी इसे स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। मैंने कौन सा स्मार्टफोन लिया है, इसके क्या फीचर्स हैं, मुझे इतने सस्ते में कैसे मिला, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक यार देखते रहना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर बात करूं फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल के बारे में, तो ये जो सेल है वो जितनी भी यार डील्स हैं वो लाइव हो चुकी हैं, तो अगर आप अभी से चाहें तो आप सेल की प्राइस पॉइंट पर भी कोई स्मार्टफोन ले सकते हैं, या फिर आज से जो सेल है वो प्लस मेंबर्स के लिए लाइव है। तो मैं प्लस मेंबर हूं फ्लिपकार्ट का, तो मैंने यहां पर ये जो डील है वो सबसे पहले ही ग्रैब कर ली है, ताकि ऐसा ना हो कि सबके लिए सेल लाइव हो और उसके बाद में स्मार्टफोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो यहां पर मैंने कौन सा स्मार्टफोन परचेज किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। ये जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है जो कि मैंने इस सेल में परचेज किया है। इस स्मार्टफोन का नाम है Realme GT Neo 3T 5G। ये स्मार्टफोन कुछ 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 10,000 रुपए सस्ते में देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल में। और यहां पर अगर आप फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल में कोई एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि काफी बेस्ट हो, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए, चार्जिंग अच्छी होनी चाहिए, डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी चाहिए, और जो स्मार्टफोन है वो 20,000 के अंदर हो, तो इससे बेस्ट स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे कोई फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और इसीलिए मैंने भी इसे स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए प्रेफर किया है। अब ये स्मार्टफोन अभी है 19,999 रुपए का, बिना किसी कार्ड के, बिना किसी डिस्काउंट के, लेकिन ये स्मार्टफोन मुझे 17,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर कैसे मिला वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। वो पे अगर आप कार्ड लगाते हैं परचेज करने के लिए तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको वहां पर मिलेगा, जिससे ये स्मार्टफोन 18,999 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने कोई कार्ड नहीं लगाया है और मेरे पास में कोई क्रेडिट कार्ड है भी नहीं, तो मैं क्या कौन सा कार्ड लगाऊंगा, तो मैंने कार्ड यहां पर नहीं लगाया है, फिर कैसे ये स्मार्टफोन मुझे सस्ते में मिला। तो मैंने यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन यहां पर चूज किया है वो चूज किया है एक्सचेंज का। मैंने यहां पर अपना एक सैमसंग का ओल्ड स्मार्टफोन एक्सचेंज किया है, जिसकी जो वैल्यू है वो लगभग 1,350 रुपए के करीब मुझे मिली है, 1,300 रुपए के करीब मिली है, काफी पुराना स्मार्टफोन है सैमसंग जे सीरीज का, तो 1,300 रुपए मुझे यहां पर मिल गया, तो मैंने उस स्मार्टफोन को कर दिया एक्सचेंज। तो इसकी जो इतनी प्राइस है 19,999 रुपए, उसमें से 1,300 रुपए माइनस हो गए। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने मुझे यहां पर फ्लिपकार्ट पे लेटर मिला हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, तो फ्लिपकार्ट पे लेटर जो मिला हुआ है वो मैं नॉर्मली यूज नहीं करता क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं होती। तो यहां पर मैंने देखा कि अगर मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर से पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट और भी मिल रहा है, तो मैंने चालाकी दिखाते हुए फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो पेमेंट है वो कर दिया है, जिसकी वजह से 1,000 रुपए का और डिस्काउंट मुझे मिल गया, और ये जो स्मार्टफोन वो 17,851 रुपए का मुझे देखने को मिला है फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल में। तो ये तरीका मैंने आजमाया है, बिना किसी कार्ड के मैंने इस स्मार्टफोन को सस्ते में परचेस किया है। और यहां पर आप देख भी सकते होंगे इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 34,000 है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट 15,000 रुपए का चल रहा है, जिससे ये जो स्मार्टफोन है 19,999 की प्राइस पॉइंट पर हमें मिल रहा है बिना किसी कार्ड के। मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला फीचर यूज किया तो 997 रुपए यानी लगभग 1,000 रुपए का डिस्काउंट मुझे यहां पर मिल गया। सिक्योर पैकिंग वगैरह का जो चार्ज है वो इन्होंने लिया है मुझसे 89 रुपीज, साथ में जो एक्सचेंज वैल्यू है ओल्ड डिवाइस की वो 1,300 रुपए है, पिकअप चार्ज जो ये ओल्ड डिवाइस हमारा पिकअप करेंगे उसका भी इन्होंने 100 रुपीज मेरे से लिया है, तो ये सब इंक्लूड करके जो प्राइस है वो 17,851 रुपए निकल करके आती है। और मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर साथ में मैंने कुछ UPI पेमेंट भी किया है, जिसको मिला करके 17,751 रुपए मैंने टोटल इनको पे किया है। तो ये तरीका है जिसकी वजह से मैंने इसे स्मार्टफोन सस्ते में परचेस किया। अब यहाँ पर आप इससे भी और सस्ते में इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, देखो यार मेरा जो फोन था ना वो काफी ज्यादा ओल्ड है, की वजह से मुझे 1,300 रुपए का ही डिस्काउंट मिल पाया। लेकिन अगर आपके पास में कोई अच्छी और कंडीशन में फोन है या फिर 2-3 साल पुराना फोन है तो आपको 3-4 हज़ार रुपये का नॉर्मली डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिससे आप इस स्मार्टफोन को 14-15 हज़ार रुपये की प्राइस पॉइंट पर भी खरीद सकते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है वो इस सेल का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। आपको अगर 20,000 रुपये के अंदर कोई स्मार्टफोन लेना है तो इस डील को भी ग्रैब करना मत भूलना। अब जैसे ये स्मार्टफोन मुझे डिलीवर होगा मैं आपके साथ में अनबॉक्सिंग वगैरह भी शेयर करूंगा कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा है, सस्ते में दे रहे हैं तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना दोस्तों ने उस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर